हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलईडी टीवी के कॉम्बो बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगा। और ये जो जानकारी होगा ये चीप लेवल का होगा, मतलब बहुत ही डीपली मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉम्बो बोर्ड किस तरीके से काम करता है और इसको किस तरीके से रिपेयरिंग किया जाता है। और मेन बात यह है कि इसका जो सारे जो सेक्शन है, यहाँ पर एक सेक्शन, यहाँ पर एक सेक्शन, यहाँ पर एक सेक्शन, तो इन सारे सेक्शन का काम क्या है और ज़्यादातर कौन सा सेक्शन ख़राब होता है, इन सारे मुद्दे के ऊपर आपको डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने लोग भी मेरा इस वीडियोज़ को देखता है उनमें से 72% लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे एक रेड बटन आपको दिखेगा, उस रेड बटन के प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी और मुझे क्या होगा कि वीडियो बनाने का जो ताकत है और मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा कॉम्बो बोर्ड है ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कॉम्बो बोर्ड उसी को बोला जाता है जो कि एक एलईडी टीवी को चलाने के लिए सारे जो बोर्ड है एक ही बोर्ड के अंदर इनबिल्ट किया रहता है। जैसे आप देख सकते हो, इस बोर्ड के अंदर पावर सेक्शन, मदरबोर्ड सेक्शन, बैकलाइट सेक्शन, तीनों सेक्शन एक ही बोर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो जैसे कि आप पीछे की साइड आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हो गया हमारा पावर सेक्शन। इस सेक्शन का काम होता है कि हमारे मदरबोर्ड को ड्राइव करने के लिए जितने भी वोल्टेजेस की ज़रूरत होगी या बैकलाइट को चलाने के लिए जितने भी वोल्टेजेस की ज़रूरत होगी, ये जो सेक्शन हमारा प्रोवाइड करेगा उन सारे जगहों पे वोल्टेज। उसके बाद ये हो गया हमारा मदरबोर्ड सेक्शन। मदरबोर्ड सेक्शन कहाँ से ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मदरबोर्ड सेक्शन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि हमारे इनपुट यानी कि जो पोर्ट्स होता है, यहाँ पे HDMI पोर्ट है, यहाँ पे VGA पोर्ट है और यहाँ पे और भी बहुत सारे AV पोर्ट है। तो इन सारे पोर्ट के अंदर से अब जब भी कोई भी सिग्नल दोगे और उन सारे सिग्नल्स को सही सलामत आपको डिस्प्ले पे दिखाने के लिए और पैनल जो है उसको सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये हमारा सेक्शन काम करता है। उसके बाद अगर बात करें कि हमारा बैकलाइट सेक्शन है, इस सेक्शन का काम यही है कि पैनल के पीछे जो बैकलाइट लगा रहता है उस बैकलाइट को चलाने के लिए ये हमारा सेक्शन काम करता है। जो मिनिमम वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, इस बोर्ड के अंदर से मैक्सिमम 12 वोल्ट ही आउटपुट होंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स है वो 12 वोल्ट के लिए ही लगाया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी 12 वोल्ट के लिए ही लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम जो मैक्सिमम वोल्टेज है इस सेक्शन को 12 वोल्ट देंगे, उसके हिसाब से ये जो कॉयल वगैरह लगा हुआ है, IC वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है। तो इन सारे कॉम्पोनेंट्स के जरिए बैकलाइट को चलाने के लिए जितने भी वोल्टेज की जरूरत होगी इन सारे कॉम्पोनेंट्स के जरिए वो जनरेट होकर हमारा बैकलाइट को चलाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ से हमने इनपुट हुआ वोल्टेज इनपुट होते ही AC वोल्टेज इनपुट होते ही कुछ यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे इस फिल्टर कैपेसिटर का काम यही होता है कि हमारे अगर इनपुट में अचानक से कोई भी ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसमें क्या होगा कि बाकी जो सेक्शन है इसको बचा लेगा, खुद ही ये ब्लास्ट हो जाएंगे और सारे सेक्शन को बचा लेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे देख सकते हो चार डायोड लगा हुआ है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर इसको बोला जाता है। तो इसका काम यही होता है कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए DC वोल्टेज की जरूरत होती है, तो ये सर चार डायोड का काम यही है कि AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो हमारा चार डायोड है ये सिर्फ AC वोल्टेज को पल्सेटिंग DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि इन सारे डायोड के जो आउटपुट में जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा वो आपको प्योर DC वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा AC वोल्टेज भी मिलता है। इसीलिए क्या है कि हमारा यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा वाला कैपेसिटर लगाया गया है। इस कैपेसिटर का काम यही है कि चार डायोड के आउटपुट में जो भी हमें वोल्टेज मिलेंगे AC के साथ, उन AC वोल्टेज को रिमूव करने के लिए और उसको फिल्टर करने के लिए ये हमारा कैपेसिटर लगाया गया है। इसीलिए इस कैपेसिटर को फिल्टर कैपेसिटर भी बोला जाता है, काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा। और अगर हम बात करें इन सारे चीज़ों के बारे में, यहाँ पे ऑडियो IC लगा हुआ है, यहाँ पे मेन IC लगा हुआ है और बहुत सारे IC लगा हुआ है, तो इन सारे IC के बारे में मैं सिंगल सिंगल अलग अलग से वीडियो बना के रखा हूँ डिटेल्स में। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके
उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा के रखा हूँ, आपको पता चल जाएगा एक एक आईसी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमारा मेन मदरबोर्ड है यानी कि कॉम्बो मदरबोर्ड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो जैसे कि दोस्तों ये एक हम मेरे पास पैनासोनिक का टीवी आया है जो कि मैं रिपेयरिंग कर रहा था, और रिपेयरिंग करते टाइम मुझे एक दिमाग में ख्याल आया, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही था कि जो कॉम्बो बोर्ड होता है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए, इसीलिए आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हो पैनासोनिक का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है TH22D400DX। इसका भी आपको रिपेयरिंग का वीडियो बहुत ही जल्द इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो इस टीवी का प्रॉब्लम है कि डेड पोजीशन में है, और डेड पोजीशन का मतलब है इसका पावर प्रॉब्लम। ठीक उसी तरीके से इन सारे बोर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या ख़राबी होती है वो हमारे पावर सप्लाई यूनिट के अंदर ही होती है। तो ठीक उसी तरीके से इस पावर सप्लाई यूनिट के अंदर भी खराब हुई हुआ है। जैसे कि देख सकते हो ये हमारा कैपेसिटर है, ये फूल गया है। यहाँ पे जो रजिस्टर देख सकते हो ये भी जल चुका है, बर्न हो चुका है। और जब मैं इसको टेस्टिंग करके देखा तो कुछ कुछ जो डायोड्स वगैरह भी हमारा ख़राब हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जब पैनासोनिक टीवी का रिपेयरिंग का वीडियो डालूंगा तब आपको बताऊंगा कि आपको अगर कोई भी डायोड ना मिले तो उसका इक्विवेलेंट डायोड आपको किस तरीके से पता करना है, उन सारे चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो जितने भी कम्बो बोर्ड्स होता है उसमें से 90% बोर्ड के अंदर पावर का प्रॉब्लम होता है, और 5% जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बैकलाइट का होता है, और बाकी जो 5% है वो हमारा यहाँ पे होता है। ये जो बायोस आईसी आप देख रहे होंगे जो कि प्रोग्रामेबल आईसी भी बोला जाता है, और काफ़ी सारे लोग इसको फ्लैश आईसी भी बोलता है। तो इसके अंदर फ्लैश आईसी का दिक्कत आता है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम किया हुआ है वो प्रोग्राम करप्ट हो जाता है, उनके वजह से हमारा जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम आता है, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता है। इन सारे मुद्दे के ऊपर मैंने अलग अलग बहुत सारे 80 से ज़्यादा मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, अगर आप सारे वीडियो उसको देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक LCD LED टीवी के अंदर किस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बता के रखा हूँ आपको उन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फिक्स करना है। और ये जो हमारा कॉम्बो बोर्ड है, इस कॉम्बो बोर्ड को रिपेयरिंग करने का जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल सा होता है, आपको ऐसा कोई भी ज़्यादा इसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी कॉम्बो बोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि अगर डेड टीवी आया है आपके पास, डेड बोर्ड आया है आपके पास, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे है, यानी कि पावर सप्लाई के अंदर है या मदरबोर्ड के अंदर है या बैकलाइट के अंदर है। तो इसको टेस्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे मतलब सारे मदरबोर्ड के अंदर, सारे जो कॉम्बो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर एक एक्सटर्नल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 12 वोल्ट के लिए एक जैक दिया रहता है। इसका देने का काम यही है कि यहाँ पे जब भी आप 12 वोल्ट प्रोवाइड करोगे यानी कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए इसके अंदर 12 वोल्ट आप दोगे तो आपका अगर टीवी सही रहेगा, मतलब पावर सप्लाई के अंदर कुछ दिक्कत होंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट देने के तुरंत ही ये हमारा बोर्ड है वो ऑन हो जाएगा और आपका जो टीवी है चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो बैकलाइट है ये नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो मदरबोर्ड है ये चालू हो जाएगा। इसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मेन मदरबोर्ड सेक्शन है ये खराब है या सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और भी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी LCD LED TV का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मेरा जो वेबसाइट है www.deepelectronicslab.com, वहाँ पे जाके आप किसी भी LCD LED TV का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे कोई भी आपका प्रोग्रामर है प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होता है उन सारे सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप हिंदी नहीं समझते हो और इंग्लिश में भी आप समझना चाहते हो कि किस तरीके से LCD LED TV को रिपेयरिंग किया जाता है तो मेरे इस वेबसाइट के अंदर सारे कुछ डिटेल्स में इंग्लिश में लिख के रखा हूँ। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है हिंदी में तो आप इंग्लिश में जाके भी पढ़ सकते हो जो भी मैंने चीज़ लिख के रखा हूँ, और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे LCD LED TV के बारे में जो कि मैं वीडियोस के अंदर नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे वेबसाइट के अंदर मैं लिख के रखता हूँ ताकि जो इंटरनेशनल हमारा व्यूअर्स है उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने उस वेबसाइट को ओपन किया था। जो भी हिंदी को नहीं समझते हैं आउट ऑफ इंडिया से जो लोग देखता है इसके लिए मैंने वेबसाइट के बनाया हूँ, तो जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में
ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो के अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको LCD LED TV रिपेयरिंग का प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और उसके साथ साथ आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सारे वीडियोज मिलते रहेंगे।